सहजता में और बेशर्म हो जाने में क्या फर्क है? ऐसा लगता है कि कभी कभी कि कहीं हम बेशर्म तो नहीं हो गए? तुम सहज रहो, उसके बाद बेशरम हो या शर्मदार हो ये दुनिया जाने। सहज रहो, तुम सिर्फ ये देखो कि असहज तो नहीं हूं। असहज होने से बचो। असहज समझते हो ना? आत्मा के अलावा किसी और केंद्र से जब भी जियोगे तो असहज रहोगे, कुछ खटका सा रहेगा, पता चलता रहेगा ही कुछ गड़बड़ है, उसी को कहते हैं असहजता। तो थोड़ा और सा और बताएं, इसको एग्जाम्पल। जब तुम सहज होते हो तब तुम्हें अपने होने का भी नहीं पता चलता है। चेतना निर्भर रहती है, उसमें कोई वजन नहीं रहता, कोई मुद्दा भीतर उमड़ घुमड़ नहीं रहा होता, वो सहजता कहलाती है। सहज माने आत्मस्थ, असहज माने कभी प्रकृतिस्थ, कभी समाजस्थ। असहज माने वो जो वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए, जो वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए, और चूंकि वो वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए इसीलिए वो उलझन में है, इसीलिए उसे कहीं खुजली हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ कचोट रहा है, उसे लग पता चल रहा है कि कहीं कुछ तालमेल में गड़बड़ है, कहीं कुछ ऐसा है जो लयबद्ध नहीं है, कहीं कुछ टूटा फूटा बिखरा हुआ है। जैसे गाड़ी चल रही हो तुम्हारी और खटखट खटखट की आवाज कर रही हो, वास्तविक मैं का पता न बोध में होता है न अबोध में होता है। हाँ, बोध में तुम ये कोशिश, ये दृष्ट कोशिश छोड़ देते हो कि मैं का पता कर लूंगा, मैं आत्मा का पता कर लूंगा। अबोध में तुम में धृष्टता इतनी रहती है कि तुम इस कोशिश में लगे रहते हो कि मैं को पकड़ लाऊंगा, उसको ज्ञान में संचित कर लूंगा। ये पता नहीं चलता, तो भ्योसी और जिसका पता नहीं चल रहा वो आत्मस्थ स्थिति कैसे? एक मामले में दोनों एक जैसी हैं कि बेहोश आदमी को भी अपना कुछ पता नहीं और आत्मस्थ भी अपना पता नहीं रखता, पर बेहोश आदमी को अपना भले ना पता हो उसे बेहोशी का पूरा पता है, उसने बेहोशी से तादात्म्य कर लिया है। आत्मस्थ ने किसी से तादात्म्य नहीं किया है। बेहोश आदमी एक चीज को तो पकड़ के बैठ ही गया है ना, किसको? बेहोशी। जो आत्मस्थ है वो किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठा है। ताकि तुम और युक्तिपूर्ण भूले कर लो बेटा, तुम जितनी भूले कर सकते हो उनका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। तुम ऐसी ऐसी भूले कर सकते हो जो कल्पना से बाहर की हो। तो क्या क्या भूले हो सकती हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं बता पाऊंगा। बहुत सारी संख्याओं में खेलने में वैसे भी मेरी रुचि नहीं है। एक भूल जो हो सकती है वो बता दी, पता नहीं उसको छोड़कर आगे क्यों बढ़ना चाहते हो। एक भूल जो होती है वो ये होती है कि तुम को बहुत कुछ याद रह जाए और जो एक याद रहना चाहिए उसको तुम विस्मृत कर दो, वही है असली भूल, केंद्रीय भूल।